गल तो दस जरा मुझे मिलती, तेरा कहीं वहां पे कोई लड़ाई झगड़ा, या मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई इश्क मटका तो नहीं किसी लड़के के साथ चल गया? पागल हो तुम, गंदी जाके जरा काम तो देख। बहना बिचारी सारा दिन अकेली काम करती रहती है। एक मामूली सा क्लर्क हूँ, इज्जत बचा कर बैठा हूँ, यही बहुत है। निकम्मे नालायक क्लर्क हो तुम, इसीलिए कहती हूँ इस घर को बेचो और किसी पोश इलाके में चलो। दादाबू, ये रूबा की कुछ बुक्स हैं, उसकी टीचर ने दी हैं, और ये कुछ नोट्स हैं, उसकी दोस्त ने दिए, शायद उसने मांगे थे। नाजिया, हौसला कर अजीज साहब, आप क्यों रो रहे हैं? आप ही ने तोरबा को गांव भेजा था, अब क्यों तड़प रहे हैं? आप सब कुछ जानती भी हैं, फिर भी तंज कर रही है। मैं आपको इतना कम हौसले वाला नहीं समझती थी, लेकिन आपने बहुत जल्दबाजी से काम लिया, बहुत जल्दी भेज दिया। वो वहां गांव में कैसे? हो सकता है मैंने जल्दबाजी की हो, मगर मुझे ये जल्दबाजी करनी पड़ी क्योंकि मैं इन लोगों के रवैये और अंदाज को अच्छी तरह से पहचानता हूँ। आपको याद है जब मिर्जा साहब के बेटे ने उन्हें घर से निकाला था तो मैंने आपसे क्या कहा था? मैंने कहा था कि एक दिन हमारी औलाद भी हमें इस घर से निकाल देगी, और आपने कहा था नहीं, हमारी औलाद मिर्जा के बेटों से अच्छी है। आप क्या समझती हैं कि आपकी औलाद रूबा के जाने से मुतमईन हो गई है? रूबा तो एक रुकावट थी, अब इसके बाद हम दोनों का नंबर है। वो लोग ये घर बेचना चाहते हैं, इसकी सारी तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। शायद आप ठीक है, मैं लोगों के बदले हुए लहजे रवैये को महसूस कर रही हूँ। सबसे ज्यादा मुझे तो अफसोस रिहाना के बदलने का है। मैं तो समझती थी कि वो मुझे माँ समझती है, जब भी वो मेरे से इतनी मोहब्बत करती है, मेरी इतनी इज्जत करती है। मुझे नहीं पता था कि दौलत की लालच में वो असली रिश्तों की पहचान भी भूल जाएगी। अफसोस तो मुझे इस बात का है कि वो अपने बेटे के पागलपन को कमाई का जरिया बनाना चाह रही है। दौलत की हवस बहुत बुरी चीज होती है कुलसुम। ये लोग ये घर बेचना चाहते हैं, लेकिन मेरी भी एक बात सुन लो, मैं ये घर नहीं बिकने दूंगा, और अगर ये घर बिका तो मैं उस वजह से उरुबा को भी हिस्सा दूंगा। अगर वकार जल्द कर रहा है तो हमें भी देर नहीं करनी चाहिए। आपने एक बात पे गौर नहीं किया कि मेरी होने वाली सास
हमेशा कुलसुम बहन करती रहती है। वो आपसे ज्यादा दादी अम्मा से मुतासिर है और इस रिश्ते को जोड़ने में दादी अम्मा का रोल बहुत अहम है, जिसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। इससे क्या फर्क पड़ता है? अगर आप शादी के बाद यहाँ से चली जाएंगे तो मेरे लिए यही बेहतर होगा। ऐसे न हो कि हम सबके अलग होने से ही वो ये रिश्ता तोड़कर सबसे अलग हो जाए। जो भरम बना हुआ है उसे रहने दें। शादी के बाद जो होगा वो देखी जाएगी। दादी क्या? अभी अभी क्या? एक इसने और दूसरी वो नाजिया, दोनों ने मुझे सता रखा है। हर वक्त दादी दादी दादी। ठहर जा शहीर, एक दफा हम लोग यहाँ से निकले फिर मैं तुझे दादी की शक्ल नहीं देखने दूंगी। गंदी, गंदी, गंदी। नहीं शहीर, अम्मी है, ऐसे नहीं कहते, बुरी बात है। अरे मत डांटो इसे फासिया, इस बेचारे को क्या पता ये क्या कह रहा है। मेरा बच्चा, कुछ नहीं कुछ नहीं। अब तुम्हारी फ्लाइट को आने में 6 hours 45 minutes और 19 seconds बाद। उफ सोमी, सोमी मुझे ये तुम्हारा जुनून जो है ना कभी कभी बहुत खौफजदा कर देता है। ये मेरे मोहब्बत की शिद्दत है दानी। You know, I love you so much. Okay, बाबा मुझे यकीन है। अच्छा सुनो, मैंने तुम्हें मंगनी पे भी कुछ नहीं दिया था, मैंने तुम्हारे लिए अच्छा सा गिफ्ट लिया। Really? My God. जल्दी से बताओ क्या क्या लिया है मेरे लिए? सोमी तुम तो बहुत बेसब्री हो, बस थोड़ा सा वक्त मजीद इंतजार करो, मैं खुद आकर तुम्हें प्रेजेंट दूँ। होप के तुम्हें अच्छा लगे। ओके बाय। बाय। क्या कर रही हो? कुछ नहीं, जब से यहाँ आई हूँ मैंने ताया अबू को नहीं देखा है। कहाँ है ताया अबू? वो ना मेरे ननियाल गए हुए, आज शाम में आ जाएंगे। बड़ी याद आ रही है ताया अबू की। हाँ वो मेरी कुछ किताबें रह गई है नाना अबू के पास, वो किताबें मुझे पोस्ट कर देते। किताबें? किताबों का क्या करोगी? क्या मतलब क्या जरूरत है, जाहिर सी बातें पढ़ूंगी। तौबा करो तौबा, दादी जान के कान में ये बात पड़ गई ना, तेरी शामत आ जाएगी रूबा। क्यों? भाई वो कहती है कि पढ़ने लिखने वाली लड़कियां ना बेशरम बेया बदकार होती हैं, उनके सामने मिसाल है तुम्हारी अम्मा। बिल्कुल नहीं, मेरी अम्मा ऐसी नहीं थी, वो बहुत शरीफ तमीजदार और बहुत डिसेंट से खातून थी, शर्मो हया वाली, नानी अम्मा कहती है। झूठ बोला था तेरी नानी ने, तुम्हारी माँ की तरबियत में सरकशी और बगावत कूट कूट के भरी हुई थी, बदकिरदार और बेवफा औरत। खबरदार जो उसका जिक्र इस घर में दोबारा किया तो, सुन ली ना मेरी बात। और तू हर वक्त ये मासूम शक्ल बना के क्यों बैठ जाती है, हैं? चल जा, जाके मसाला पीस और हांडी बना। क्या हुआ कुसुम, हाथ जला दिया? आए मैं आपको बरनाल लगा दूं। आया
इन दोनों मियां बीवी का रोमांस तो इस उम्र में भी खत्म नहीं होता। दूसरों को तो बड़ा शर्मो हया का दर्ज दे रहे होते और यहाँ जवान औलाद के होते हुए ऐसे चोचले और नाज नखरे उठा रहे हैं जैसे अभी भी नए नवेले दुल्हा दुल्हन हो। अरे मुझे तो फिक्र हो रही है, अगर ये दोनों अलग अलग रहने पे तैयार नहीं हुए तो इन्हें कौन रखेगा? हाँ, ये तो बड़ा अहम नुकता सोचा है आपने। ना भाई ना, दोनों को एक साथ रखना तो बहुत मुश्किल होगा। अकेले अब्बा जी बहुत काफी है। अलवीना तो अब्बा जान को कभी नहीं रखेगी, मैं जानती हूँ उसको। अरे ये तो मेरा ही हौसला है, 24 साल ससुराल वालों के साथ गुजारे, इतनी बड़ी कुर्बानी कोई नहीं दे सकता। वैसे पहले घर का फैसला तो हो जाए ना, फिर सोचेंगे कि कौन कहाँ रहेगा और किसके साथ रहेगा। वो रेहाना भाभी, मेरी कजन का फोन आया था, एक दो दिन में आने के लिए कह रही थी। बता रही थी कि उसने आपके लिए और बच्चों के लिए बहुत कीमती और अच्छे जोड़े लिए हैं। अच्छा, बहुत अच्छी है तुम्हारी कजन। हाँ, बहुत अमीर है मेरे बहनों, बहुत पैसा है उनके पास। हाय, बस शहीर का ये काम चलता रहे तो कितना अच्छा। हाँ, चलता रहेगा, चलता रहेगा। कैसे हो? अरे सफो, तुम? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। ये कौन है? ये वो अपने चचा इफ्तिखार है ना, उनकी बेटी है रूबा। रूबा? ये तो शहर में नहीं रहती थी। अब्बा इसे खुद जाकर लेकर आए, इसके नाना ने खुद भेजा इसे यहाँ पे। क्या मतलब? ओफो, सारे सवाल जब यही करने, चलो ना अंदर आओ, बात करते। चलो। दिनों बाद आए बिलाल, शहर में दिल लग गया था? क्या बताऊं, लग गया था, पढ़ाई में मसरूफ था, लेकिन गांव की बड़ी याद आती थी। और किस किस की याद आई? हैं? अरे सुने जी, आप तो पढ़ती थी ना? जी। और अब पढ़ाई छोड़ दी? कुछ अरसे के लिए। How sad. ले ना बिलाल, बिस्किट खाइए, ले चाय। जाओ रूबा, दादी को बता करा के बिलाल आ गया। अच्छा बिलाल, तुम्हें मालूम है अपनी माँ की तरह ना ये भी पूरा मेंटल केस है। क्या मतलब, कैसे? मतलब ये रातों को उठ उठ के बैठ जाती है, अपने आप से बातें करती है, और तो और कभी हंसती है कभी रोती है। मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही कि जब हमने इसको बुलाया था तो इसके नाना ने मना कर दिया था आने से, और सारे मामू इकट्ठा हो गए थे। खराब हो गई थी, मामू की लड़की के साथ चक्कर चल पड़ा था, रंगे हाथों पकड़ी गई थी। क्या हुआ, नाना मामू ने मिलके यहाँ भेज दिया कि अब से मालो इस गंध को। और दादी ने आने दिया? क्या करती, खून है ना, मजबूर थी। उन्होंने तो वहां से टेलीफोन कर दिया कि आके ले जाओ अपनी चहेती भतीजी को। खैर छोड़ना इसको, ये लेना बिस्किट का, चाय पी। और बता शहर कैसा है? शहर तो शहर ही है। दानियाल, इस दफा सोमी ने तुम्हें बहुत मिस किया, और हाँ तुम उसके लिए कोई सरप्राइज गिफ्ट लाने वाले थे, लाए हो ना? सोमी बहुत एक्साइटेड है उसके लिए। जी मामा, अब लेकर आए। बाय द वे, मैं आपके लिए भी एक गिफ्ट लेकर आया, अभी बैग खोलूंगा तो आपको दूंगा। अच्छा ठीक है, तुम दोनों बातें करो, एंजॉय करो, मुझे एक बहुत जरूरी मीटिंग अटेंड करनी है। ओके, तुम लोग एंजॉय करो। शाह, तुम रुक नहीं सकती, तुम्हें मामा से सरप्राइज वाली बात नहीं करनी चाहिए।
सो व्हाट यार, क्या हुआ? वो मेरी आंटी है और तुम भी सास भी, इसीलिए तुम्हें बहुत केयरफुल होना पड़ेगा यार। सुमी अच्छा नहीं लगता है कि अमेजिंग दानी, लुक एट योरसेल्फ, इतने बड़े हो गए हो और कैसे बच्चों की तरह शर्मा रहे हो। कम ऑन, हम मम्मा से अपनी पर्सनल बातें नहीं करते। ओके सॉरी, निकालो मेरा गिफ्ट। जी गिफ्ट वहां क्या था? ये रहा तुम्हारा गिफ्ट। मुझे पसंद आया तो मैंने सोचा तुम्हारे लिए ले लूं। कैसा है? बहुत खूबसूरत है। आप पहना भी दो। ओके। ओ शिट, सॉरी, ये तो छोटा निकला, मुझे अंदाजा नहीं था यार। बुद्धू, इसको यहां से खोलो। आपको सलामुअलैकुम ताई अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। शहीर कैसा है? शहीर अब बेहतर है, सो रहा है। ये इतना लंबा चौड़ा एहतमाम किसके लिए हो रहा है? कोई आ रहा है क्या ताई अम्मी? अरे वो फौजिया के ससुराल वाले आ रहे हैं ना, उसकी डेट फिक्स करेंगे हम लोग। अच्छा अच्छा, फिर तो आपको बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। अच्छा सुनो, अपने अब्बा से कह देना शाम को घर पे रहें, खालिद भाई भी आ रहे हैं, ठीक है? जी बता दूंगा। हाँ नाजिया, क्या क्या बनाया जा रहा है? अम्मी मैं बाहर लाउंज की सफाई कर लूँ। ठीक है जल्दी कर लो। साली अपनी आप को समझती क्या है, सारे नखरे निकाल दूंगा इसका। अस्सलाम वालेकुम दादी जान। तुम क्यों आए हो यहाँ? क्या हुआ दादी जान, आप मुझसे नाराज हैं? तुम मेरे घर मत आया करो, तुम्हें देख के मेरे जख्म हरे हो जाते हैं। अरे दादी अम्मा, आप मुझे बुरा भला क्यों कह रही हैं? सारा कसूर तो उस दानियाल का है, उसी की वजह से आपकी, हमारी, अरूबा की, हम सबकी बदनामी हुई। खुद तो वहाँ आयश कर रहा है वो, और आप यहाँ अरूबा के गम में पागल हो रही। अब बड़े मासूम बन रहे हैं। इस खेल में सबसे बुरा किरदार तुम्हारा है। तुमने बोहतान लगा के इल्जाम तराशी करके मेरी बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर दी है। लेकिन मैं तो तुम्हें बददुआ भी नहीं दे सकती, क्योंकि तुम मेरी औलाद की औलाद हो, और औलाद का दुख मुझसे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। क्या कहा है तुमने दादी अम्मा को? मैंने कुछ नहीं कहा। बकवास, तो फिर वो ऐसे रो क्यों रही है? तुम हर बुरे काम का इल्जाम मेरे सर क्यों लगा देती हो? क्योंकि मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ, तुम जितने बुरे नजर आते हो ना, उससे कहीं ज्यादा बुरे हो। शट अप, तुम अपने आप को समझती क्या हो? बहुत कुछ। आइंदा इस घर में नजर मत आना, निकलो यहां से। तीमा, कुछ नहीं हुआ। नहीं मेरी दादी अम्मा बहुत अच्छी है। कान खोल के, मैं गलती की सजा माफ नहीं करती, समझ गई ना? जी। अरे चल जा, मेहमानों के आने का वक्त हो गया। आमीन सुम आमीन। बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी वकास भाई के साथ बात पक्की हो गई है। अरूबा कहाँ है? मुझे वो नजर नहीं आ रही। वो यहाँ नहीं है। तो फिर कहाँ है? अपने ददियाल गांव में। गाँव में? मगर वो वहां क्यों गई है? तुम्हारी वजह से। धड़कने जिनसे बंधी है,
तन्हा।